हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि फ्री में आप इंटरैक्टिव फ्लिप बुक्स कैसे बना सकते हो। यह एक इंटरैक्टिव फ्लिप बुक है जिसे मैंने नॉर्मल स्टैटिक पीडीएफ से फ्लिप बुक में कन्वर्ट किया है। आप देख सकते हो कि इस फ्लिप बुक में पेज टर्निंग इफेक्ट है। इसमें आप ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड म्यूजिक और लिंक्स भी ऐड कर सकते हो, जिसके कारण आपके रीडर्स को एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस मिलेगा। आप इसे डेस्कटॉप या मोबाइल में भी रीड कर सकते हो, प्लस आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से शेयर कर सकते हो और ट्रैक भी कर सकते हो। अगर आप अपने फ्लिपबुक को अनऑथराइज शेयरिंग से बचाना चाहते हो तो आप इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्री ग्राफिक्स टूल कैनवा की मदद से आप कैसे ईबुक क्रिएट कर सकते हो। यह है वो ईबुक जिसे हमने लास्ट वीडियो में कैनवा की मदद से क्रिएट किया था। इसमें हमने कवर इमेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, चैप्टर्स और फॉलोअर्स पेज बनाया था। मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। दोस्तों, इस ईबुक में मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ऐड किया है जहां अभी मैंने सिर्फ हेडिंग्स रखा है। यहां हम फ्लिपबुक क्रिएट करते समय सीखेंगे कि कैसे हम अपने फ्लिपबुक में ऑटो प्ले वीडियो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ हम अपने यूट्यूब चैनल का लोगो भी ऐड करेंगे जिसे क्लिक करते ही मेरी यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेब ब्राउजर में hezin.com टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। यह हेजिन की वेबसाइट है। हेजिन एक फ्लिपबुक क्रिएटर टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी स्टैटिक पीडीएफ को हाईली इंटरैक्टिव फ्लिपबुक में कन्वर्ट कर सकते हो। इस टूल की मदद से आप इंटरैक्टिव ईबुक, मैगजीन्स, प्रोडक्ट कैटलॉग्स, ब्रोशर्स, रियल इस्टेट लिस्टिंग बुकलेट, प्रेजेंटेशंस, रिपोर्ट्स, रेस्टोरेंट मेन्यूज क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले हम हेजिन में एक फ्री अकाउंट बना लेंगे। आप अपने गूगल अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हो। चलिए मैं अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंफर्म में क्लिक करेंगे, फ्लिपबुक क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपने पीडीएफ को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो कि आपकी पीडीएफ अपलोड हो रही है। दोस्तों, ये हेजिन की डैशबोर्ड है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारी पीडीएफ ऑटोमेटिकली फ्लिपबुक में कन्वर्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि जब पेज टर्न हो रही है तो यह किसी फिजिकल बुक की तरह साउंड इफेक्ट दे रही है। डैशबोर्ड के लेफ्ट में आप कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। इन ऑप्शंस की मदद से हम अपनी फ्लिपबुक को कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट कस्टमाइजेशन फीचर्स को चेक कर लेते हैं। चलिए टाइटल में क्लिक करते हैं। यहाँ हम अपनी फ्लिपबुक के लिए टाइटल और सबटाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। टाइटल ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब सबटाइटल ऐड कर देते हैं। और सेव में क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो कि हमारी टाइटल और सबटाइटल ऐड हो चुकी है। आप चाहो तो अपनी टाइटल और सबटाइटल को अपनी फ्लिपबुक से हाइड भी कर सकते हो। हाइड करने के लिए दोबारा टाइटल में क्लिक कीजिए और यहाँ से ये ऑप्शन डिसेबल कर दीजिए और सेव में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो कि हमारी टाइटल और सबटाइटल हाइड हो चुकी है। चलिए अब हम पेज इफेक्ट चेक करते हैं। पेज इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप डिफरेंट पेज इफेक्ट देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट मैगजीन इफेक्ट सिलेक्टेड है। चलिए हम बुक इफेक्ट चेक कर लेते हैं। इसे क्लोज कीजिए। ये बुक इफेक्ट है। चलिए अब हम दूसरी पेज इफेक्ट देखते हैं। क्लोज करते हैं। चलिए फिर से हम पेज इफेक्ट में चलते हैं। यहां से नोटबुक ले लेते हैं। आप देख सकते हो कि फ्लिपबुक की स्टाइलिंग चेंज हो गई है। स्लाइडर सिलेक्ट करते हैं। ये स्लाइडर इफेक्ट है। देखिए हम अपनी पेज को स्लाइड कर पा रहे हैं। फिर से हम पेज इफेक्ट में चलते हैं। कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लोज करते हैं। देखिए हमारे पेज अब कार्ड की तरह डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह हम अपनी फ्लिपबुक को डिफरेंट पेज इफेक्ट दे सकते हैं। आप अपनी फ्लिपबुक की बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए हम ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लोज करते हैं। देखिए हमारी बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। चलिए हम दूसरी बैकग्राउंड भी चेक कर लेते हैं।
चलिए हम यही बैकग्राउंड रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लोगो। दोस्तों लोगो एक प्रो फीचर है, इसलिए हम यहाँ अपनी लोगो नहीं ऐड कर सकते। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमें सब्सक्राइब करने के लिए कहा जा रहा है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल्स। दोस्तों अभी आप हमारे फ्लिपबुक में 3 कंट्रोल्स देख सकते हो, पहली है जूम, फुल स्क्रीन और साउंड। यहाँ हम और भी कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने यूजर्स को फ्लिपबुक डाउनलोड करने की ऑप्शन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन इनेबल हो गई है। आप यहाँ पे शेयरिंग ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हो, प्रीवियस नेक्स्ट पेज कंट्रोल भी ऐड कर सकते हो, देन फर्स्ट पेज लास्ट पेज। कंट्रोल इनेबल करने के बाद क्लोज में क्लिक कीजिए। चलिए अब हम इन कंट्रोल को यूज करके देखते हैं। यह है शेयरिंग ऑप्शन। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी फ्लिपबुक को सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो। यह फुल स्क्रीन, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी फ्लिपबुक फुल स्क्रीन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्रोल हमारे फ्लिपबुक के साथ ओवरलैप हो रही है। हम कंट्रोल ऑप्शन से इन कंट्रोल बटन को डिफरेंट पोजीशन में अलाइन कर सकते हैं। अलाइन करने के लिए दोबारा कंट्रोल में क्लिक करते हैं, यहाँ से स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोल बटन राइट साइड में अलाइन हो गई है। आप चाहो तो इसकी आइकन स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे कंट्रोल बटन की आइकन चेंज हो चुकी है। चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं। दोस्तों आप चाहो तो अपनी फ्लिपबुक में बैकग्राउंड ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। ऑडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और ऑडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ से हम अपनी ऑडियो सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन में क्लिक करेंगे। दोस्तों ये ऑडियो मैंने pixabay.com से डाउनलोड की है। pixabay.com से आप रॉयल्टी फ्री ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी ऑडियो अपलोड हो चुकी है। अब हम फ्लिपबुक ऑडियो में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी ऑडियो सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड में क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियो फ्लिपबुक के हर पेजेस में रहे तो यहाँ पे क्लोज में क्लिक कर दीजिए। अगर आप सिर्फ कुछ पेजेस में ही ऑडियो चाहते हो तो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे पेज 7 सेलेक्ट कर लिया है, तो हमारी ऑडियो पेज 1 से लेकर पेज 7 तक ही चलेगी। सिलेक्ट करने के बाद क्लोज में क्लिक कर दीजिए। चलिए अब ऑडियो चेक करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी फ्लिपबुक में ऑडियो ऐड हो चुकी है। अगर आप अपनी फ्लिपबुक को अनऑथराइज शेयरिंग से बचाना चाहते हो तो आप इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। फ्लिपबुक में पासवर्ड प्रोटेक्शन डालने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आप अपनी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और सेव में क्लिक कीजिए। अब जिस रीडर के पास पासवर्ड होगी अब वही इस फ्लिपबुक को एक्सेस कर पाएगा। चलिए अभी इस फ्लिपबुक में हम एक वीडियो और इमेज ऐड करेंगे। फ्लिपबुक के लास्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर हम एक वीडियो और अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड करेंगे। वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कीजिए और यहाँ पर अपनी वीडियो का लिंक ऐड कर दीजिए। टाइप में आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, वीमियो। चलिए यहाँ पर हम अपनी एक यूट्यूब वीडियो ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो यहाँ ऐड हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो ऑटो प्ले मोड में चले तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, प्लेयर ऑप्शन में जाइए और यहाँ से ऑटोमेटिक प्ले सेलेक्ट कर लीजिए और क्लोज में क्लिक कीजिए। अब हम यहाँ पर अपनी यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड करेंगे। लोगो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पे ड्रैग करके अपनी इमेज को ऐड कर लीजिए। ब्राउज फाइल में क्लिक कीजिए, अपने लोगो को सिलेक्ट करते हैं और ओपन में क्लिक करते हैं, क्लोज में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारी लोगो ऐड हो गई है। अब इसमें हम अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड कर देंगे। लिंक ऐड करने के लिए क्लिक एक्शन में क्लिक कीजिए, यहाँ से ओपन लिंक में क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपने लिंक पेस्ट कर दीजिए, क्लोज में क्लिक कीजिए। अब स्टॉप एडिटिंग में क्लिक कीजिए। अब आपकी वीडियो और यूट्यूब चैनल की लोगो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब आप इसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर करने से पहले अपनी फ्लिपबुक को सेव कर लीजिए, सेव में क्लिक कीजिए। अब आपकी फ्लिपबुक सेव हो चुकी है। शेयर करने के लिए शेयर बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ आप देख सकते हो कि आपको एक शेयरिंग लिंक प्रोवाइड की गई है, इसे आप कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। हमने अपनी फ्लिपबुक का लिंक कॉपी कर लिया है।
चलिए हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी फ्लिपबुक ओपन हो गई है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैनवा टूल की मदद से फ्री में ईबुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी फ्लिपबुक परफेक्टली रेडी हो गई है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हेजिन टूल की मदद से आप कितनी आसानी से फ्लिपबुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपनी ऑडियंस को एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो आप हेजिन को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप मुझे मेरे वेबसाइट technicalworld.com पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।